नमस्कार। तो आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.6। चैप्टर है इंटीग्रेशन और टॉपिक इसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंसे हैं उसका सॉल्यूशन के लिए आए हैं तो डायरेक्ट आप टाइम स्टाम्प्स पे जाके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, जो कि फॉर्मूला ही है, और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस आए हैं और बस वीडियो देख रहे हैं, फॉर्मूला देखें और पहले कोशिश करें कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। एक्सरसाइज का मेन मोटिव ये नहीं होता है कि वो क्वेश्चन हम देख के जाए और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाए। एक्सरसाइज का मेन मोटिव होता है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े। क्वेश्चंस जब पहली बार कर रहे हो तो बगल में फॉर्मूला होगा, उसको देख के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे अब क्वेश्चन करते जाएंगे फॉर्मूला देखने की ज़रूरत कम होती जाएगी, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के थ्रू ही वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हम एग्जामिनेशन के लिए आए हैं, ठीक है, हम सीखने के लिए आए हैं और यहाँ पे आशा है कि हम सीख के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो U और V, दोनों x के फंक्शन है, तो कैसे इसका इंटीग्रेशन होता है। मान लेते हैं कि U को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और V को सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, और इसका ही इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आएगा इस ब्रैकेट से उसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो हो गया। अच्छा, एक और चीज आता है यहां पे, आइलेट रूल हमारे पास, वो क्या है, आई स्टैंड करता है हमारे पास इनवर्स फंक्शंस के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, एल है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए, हमारे पास जो ए है वो एलजेब्रिक फंक्शन के लिए है, योर टी इज फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड फाइनली योर ई इज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आई होप आप सभी फंक्शंस के बारे में जानते होंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स टाइप का, एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर ऐसा टाइप का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टाइप का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर में कुछ होता है, ठीक है। तो ये आइलेट रूल है क्यों, अगर दो फंक्शन है तो किसको यू माने और किसको वी। यू और वी की जगह आप फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन भी मान सकते हैं, तो किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकेंड फंक्शन,
तो आईलेट में जो सबसे पहले आएगा दोनों में उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है जिसमें से एक है लेट सपोज एक्स और दूसरा है साइन एक्स, तो एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन इसलिए एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, उसके बाद टी आता है ना, तो उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आता है इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकेंड फंक्शन मिलेगा। तो उस क्वेश्चन में आप एक्स को यू मान के चलेंगे और जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको वी। एक और फॉर्मूला आता है इसी चैप्टर में, वो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन हो आपके पास तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसी दो फॉर्मूला में हमारा ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर मतलब ये पूरा एक्सरसाइज जो सब टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि एक्सरसाइज में ही पहला क्वेश्चन है, एक्स साइन एक्स। तो पहला फंक्शन किसको माने हम, पहला फंक्शन आईलेट को देखे तो एलजेब्रिक को आई एल ए, तो पहला फंक्शन टी उसके बाद आता है, तो दूसरा फंक्शन। फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन इसको माना है हमने, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, यू वी अब मान सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू डी बाय डीएक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लंबा लग रहा है तो थोड़े देर आराम से रहें, ठीक है, क्वेश्चंस करें, उसके बाद अभी ज़्यादा फॉर्मूला के बारे में नहीं सोचें, क्वेश्चंस कर लेंगे तो मेरा उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के अंत तक फॉर्मूला आप हमको बता रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो डिफिकल्ट है नहीं, प्रैक्टिस से अपने आप वो दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ पे एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है माइनस, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है। ठीक है, तो यहां पे आया वन, साइन एक्स का अगेन माइनस कॉस, तो इसको हम प्लस करते हैं तो ये आया माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन एक्स प्लस का सी, लास्ट में लिख देते क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स हमारे पास आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। ध्यान रहे पहला क्वेश्चन था ये, तो हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे यूज करते, कैसे किसको फर्स्ट फंक्शन कैसे किसी को सेकेंड फंक्शन मानते, उसके बाद तो सिंप्लीफाई करते जाना है। इंटीग्रेशन आपको कुल तीन बार करना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन वहां पे एक बार इंटीग्रेशन करना होगा, फर्स्ट स्टेप में ही एक बार इंटीग्रेशन हमने साइन एक्स का किया और फाइनली हमने एक और बार इंटीग्रेशन किया जो कि साइन एक्स का था। ठीक है, तो यहां पे पहला इंटीग्रेशन ये साइन एक्स का, उसी का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे भी यूज हो गया इसी ब्रैकेट के अंदर, और फिर यहाँ पे कॉस एक्स का एक बार हुआ। ठीक है, तो कुल तीन बार हुआ, एक बार तो रिपीट ही हुआ, तो आसान होता है। और अगर ये क्वेश्चन हो गया ना तो अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप खुद करके कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पर रोके और चालू हो जाए इस क्वेश्चन के साथ, कुछ खास है नहीं। अगर वो क्वेश्चन हो गया ना तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स और एक्स के साथ जो भी है उसको डिवीजन में कर दीजिए, बस यही फर्क आएगा। इसको ट्राई करके देखिए, नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ देखते रह जाएंगे तो फिर कुछ खास फायदा होगा नहीं। तो अगर आपने सॉल्व किया तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है हमें एक्स साइन, यहाँ पे डी एक्स भी आएगा, साइन थ्री एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन अगेन एलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है और ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड द होल इंटीग्रेशन एक्स आ गया। साइन का होता है माइनस कॉस थ्री एक्स और एक्स के साथ जो है दैट मीन्स थ्री एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली उससे डिवाइड हो जाता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगेन वन, साइन थ्री एक्स का यही चीज आएगा माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। ये आप चाहे तो इस वन बाई थ्री को बाहर भी रख सकते हैं, नहीं अगर आपको ध्यान में रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो उसको अंदर भी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, कॉस का होता है साइन, तो प्लस साइन थ्री एक्स। अब साइन थ्री एक्स हुआ कॉस का, अंदर थ्री एक्स है उसका डेरिवेटिव जो कि थ्री होता है वो नीचे आएगा, एक थ्री पहले से था तो थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस अ कॉन्स्टेंट सी प्लस, तो ये आ गया हमारे पास एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स। क्लियर है, दो क्वेश्चन हमने कर लिया, लेट्स सी कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, फंक्शंस बदल गए, ठीक है। तो अगेन आईलेट को याद करें, आई एल ए टी एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकेंड फंक्शन माने। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, हमने इसको माना है फर्स्ट फंक्शन, इसको माना है सेकेंड फंक्शन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, तो ऐसा कर ले टू को बाहर रख लेते हैं, एक्स बस अंदर बचेगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है। ध्यान रहे अब सेकेंड स्टेप में एक और क्वेश्चन हमें मिल गया, ठीक है, तो एक बार और बाय पार्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली तो पता नहीं है। तो फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये वाला ब्रैकेट ऑन कर देते हैं, एक्स एज इट इज ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हम कर रहे थे बाय पार्ट लगा रहे थे छोटे से इंटीग्रल में, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स
e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एक्स इंटू माइनस टू, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस टू एक्स e पावर x। अच्छा, और आप माइनस टू को इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस टू इंटू ये माइनस, तो प्लस टू हो जाएगा। यहां देखे x का डेरिवेटिव, तो ये चीज तो वन हो गया, ये चीज हमारे पास e पावर x आएगा, वन इंटू ई पावर एक्स, तो ये जो पूरा है ना अंदर, ये e पावर x है हमारे पास। तो e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x ही होता है ना, ठीक है, तो बस e पावर x बाहर आ जाएगा, और ये माइनस साइन और ये माइनस टू मिलके टू बना दिया, अंदर का कैलकुलेट करके बस e पावर x आया। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, e पावर x कॉमन ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, वो आपके जरूरत के ऊपर है। तो हमने सॉल्व कर लिया x स्क्वायर e पावर x dx, ये है x स्क्वायर e पावर x माइनस टू एक्स ई पावर x प्लस टू ई पावर x। लास्ट में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हर बार आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। कर लिया आपने ये क्वेश्चन, बुक में आंसर आप मिला सकते हैं, अगर वहां e पावर x कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, उस पर कोई खास दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइलेट को फिर से याद करते हैं। आइलेट क्या बोल रहा था हमें, आइलेट हमें बोल रहा था कि आई एल ए टी को फॉलो करो, तो एलजेब्रिक आई एल ए टी ई, तो लॉगरिथमिक इस बार पहले आ जाते हैं। वैसे भी अगर आप आइलेट रूल को नहीं भी कुछ देर के लिए देखें तो log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो हमें कोई फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है, तो log x का इंटीग्रेशन अगर नहीं पता लेकिन डिफरेंशिएशन तो उसका पता है, तो डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन का होता है। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते थे कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, ठीक है। x का तो दोनों ही चीज़ पता है, ठीक है, लेकिन जिसका नहीं पता उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, माना है फर्स्ट फंक्शन किसको, log x को, सेकेंड फंक्शन किसको, x को। इस बार थोड़ा ध्यान से करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो log x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई टू, क्योंकि हमें पता है कि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय टू, तो log x इंटू x स्क्वायर बाय टू। यहां देखें माइनस साइन, डेरिवेटिव क्या होता है log x का, वन बाय x होता है। x का इंटीग्रेशन हमने किया है पहले, x स्क्वायर बाय टू आया dx, एक x हम कर सकते हैं कैंसिल, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, अंदर x बाई टू आ जाएगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, हाफ को बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx बराबर x स्क्वायर बाई टू log x, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू इंटू, यहाँ पे नीचे में दो टू आ जाएगा तो माइनस x स्क्वायर बाय फोर प्लस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो x log x का भी हमने सीख लिया कैसे करते हैं, आगे बढ़े हम। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन खुद से किया था या फिर खुद से नहीं भी किया था तो सीख लिया, तो अब ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखें, ठीक है, यही ऐसा ही चलता है। अगर आपने एक कर लिया तो दूसरा आपको खुद से करना होगा,
क्वेश्चंस का आपको यूज करना होगा, ऐसा नहीं कि आप बार बार देख के कर रहे हैं, सेम टाइप का कर लिया तो ये आप खुद से करके देखें, ठीक है। तो इसको भी करते हैं, फर्स्ट फंक्शन अगेन इसको मानेंगे log 2x को, इसको सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log 2x का, पहले तो log का होगा 1 अपॉन 2x, अंदर जाएंगे तो 2x भी है, ठीक है, ध्यान रहे log 2x का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो log x का 1 by x होता है, ऐसा होता है क्या, इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पता होता तो क्या ही दिक्कत होता यहाँ पे, तब तो हम कर ही लेते, इंटीग्रेशन log x का होता है लेकिन उसको याद नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ पे d by dx of log 2x कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले log का करें तो 1 by 2x, अंदर जाएंगे 2x है तो 2x का 2, ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 by x बचेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन था तो वो हमने सॉल्व किया, 1 by x आया, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, अगेन यहां पे 1 by x, इधर से x स्क्वायर बाई 2, x कैंसिल कर सकते हैं हम, x स्क्वायर बाई 2 log 2x, और इसको हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फाइनली लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx बराबर x square by 2 log 2x माइनस x का x square by 2, तो ये हो जाएगा x square by 4 प्लस, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, अगले पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी ध्यान रखे आईलेट को और फिर कर ले, ठीक है, कुछ खास दिक्कत तो नहीं आएगा, हो सकता है एक के जगह दो बार बाय पार्ट लगाना पड़ ले, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे। तो आईलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन तो हम इसको मानेंगे, सेकेंड फंक्शन इसको मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स बराबर, टेकिंग दिस एज द फर्स्ट फंक्शन, दिस एज द सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, log x, x स्क्वायर का x क्यूब by 3, log x का 1 by x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने सॉल्व किया x क्यूब by 3, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, dx यहां से हम कैंसिल कर ले तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब by 3
log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्लियर। तो फाइनली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर log x dx बराबर x क्यूब बाई 3 log x एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 तो माइनस एक 3 है ही ऑलरेडी प्लस अ कॉन्स्टेंट। क्लियर है, आसान था ये भी। अगले पे चलते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x। आईलेट क्या बोलता है, पहला ही फंक्शन प्रायोरिटी देते हैं हम लोग इनवर्स को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर एलजेब्रिक। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। Into integration of second function, whole integration, तो ये हो जाएगा x का x square by 2 sin inverse x minus derivative of sin inverse x। क्या होता था हमारे पास, याद करें आप, रिकॉल करें, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स याद है क्या, 1/√d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√1-x। तो वही चीज यहां लिख देंगे, ठीक है, x का हमारे पास इंटीग्रेशन था तो वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 होल इंटीग्रेशन। देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, इसको तो पहले माइनस 1/2 बाहर रख लें, ठीक है। अब 1-x² है हमारे पास, ठीक है, और इधर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी स्क्वायर मान ले तो क्या होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x dx बराबर 2t dt आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, x dx बराबर t dt आ जाएगा। ठीक, x dx एक तो t dt में चले जाएगा, दूसरे x dx का हम क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ हद तक समस्या लग रहा है। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, 1-x² है हमारे पास नीचे, √1-x² ऊपर है x square,
इसका इंटीग्रेशन ऐसा करते हैं कि ये जो माइनस साइन बाहर दिख रहा है इसको अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनस है इसको किया प्लस और ये माइनस ले आए अंदर, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन। और ये जो टू दिख रहा है इसको हम बाहर फेंक देते हैं, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। तो टू नीचे था तो वन बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स, ठीक। अगला स्टेप में लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अब पिछले ही स्टेप में इसमें हम डिनोमिनेटर को क्रिएट करने की कोशिश अगर करें तो प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं हम, अब सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ ये वाला, दैट मीन्स कि वन माइनस एक्स स्क्वायर को अलग और माइनस वन को अलग कर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वन बाई टू, ये चीज को लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास बचेगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता था? इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी बताएंगे जिसमें हमें फॉर्मूलास की उतनी जरूरत ना हो। पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं सॉल्व करके। तो हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था एक्स बाय टू, कॉपी द सेम प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। इसका यूज कर लेते हैं यहां पे, तो एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस वन बाय टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के जगह वन है, ठीक है, तो एक्स बाय टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय वन, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। पेज पे है, हम इसका कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब स्टेप्स
साइन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन बाई टू। अब हिट एंड ट्रायल करने गए, किसी काम का तो था नहीं, टू बाई टी डी टी फिर हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट किया, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू सेपरेट किया, फिर पहले वाले के लिए फॉर्मूला रिकॉल किया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स बाई टू, सेम चीज कॉपी, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। यहां पे थे तो हमें चाहिए था जगह, तो अब इस सबको मिटा लेते हैं क्योंकि ये सब तो पिछले पेज पे था ही, इसको एटलीस्ट क्लियर ही कर देते, ठीक है। तो हम थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो ध्यान से देखें अगर आप, तो यहां पे हमारे पास हाफ टाइम्स साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, और इधर भी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमने टू दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ दोनों से मल्टीप्लाई किया था, यहां आया ये चीज, तो कॉमन टर्म्स यहां पे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स दो बार आ रहा है तो एक बार आ रहा है हमारे पास, तो इसको अंदर ही ले लेते हैं क्योंकि यहां भी हमारे पास हाफ है, तो इसी ब्रैकेट के अंदर इसको भी रख लेते हैं, तो वन बाई टू एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स,
तो हाफ माइनस वन माइनस हाफ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ये हम टू को बाहर ले लेते तो प्लस वन बाई फोर एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया था माइनस हाफ, टू को बाहर रख लिया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आया हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ पे, इसका एक और भी मेथड है वो भी हम डिस्कस कर लेते, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप अटके होंगे, तो क्यों नहीं इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो वो कर लिया हमने, अब दूसरा मेथड भी इसका देख ही लेते हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 8 को कर लिया कॉपी। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, x साइन इनवर्स x dx, उसको एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइन इनवर्स x को डाल दो, इस बार दूसरा मेथड यूज करते हैं, साइन इनवर्स को हटाने का कोशिश करते हैं, तो एक्स के जगह अगर हम साइन थीटा रख दें तो क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब x को साइन थीटा रखा तो dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा से हमें थीटा मिलेगा, तो थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा को हम रीअरेंज कर सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करें, तो ये जो चीज़ है थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास साइन टू थीटा बन जाएगा, तो थीटा इंटू साइन टू थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही इस एक्सरसाइज में, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन माना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पेज पे आ जाते हैं। हाफ थीटा इंटू साइन टू थीटा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा इज माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन। थीटा के साथ आप अनकंफर्टेबल है तो आप टी भी मान सकते थे, कॉस
टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, ये वन हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा बीच में, प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये वन आएगा और साइन टू थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस, अंदर आपके पास कॉस टू थीटा, और वो जो टू आया उसको भी बाहर कर लेते हैं, वन बाई टू माइनस थीटा कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, तो वन बाई फोर, ठीक है, ये हमारा काम हो चुका। अब थीटा क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स ना, एक्स को साइन थीटा माना, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो वापस पुट करें, कॉस के अंदर टू टाइम्स थीटा, ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अब अरेंजमेंट करना होगा, इस साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रहने दें, कॉस ऑफ टू साइन इनवर्स के साथ क्या करें, कॉस के अंदर टू साइन इनवर्स एक्स और साइन के अंदर टू साइन इनवर्स एक्स से अगर आपको दिक्कत है तो आप एक स्टेप और फिर से पीछे चले जाए, कर क्या सकते हैं आप, यहां पे कॉस टू थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा को तो पहले लिख लें क्या है थीटा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, कॉस टू थीटा होगा टू, क्या होता है हमारे पास कॉस टू थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस टू एक्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसी का यूज करते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा की जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे टू है, वन बाई फोर, इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो टू नीचे आ गया, अच्छा वन बाई टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को हमने माना था कुछ एक्स, तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा एक्स बाई टू कॉस थीटा, एक्स है साइन थीटा, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो ठीक है, अब ये माइनस साइन है तो ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस तो बाहर चले जाता है, तो ये 2x² - 1 नजर आएगा अगले स्टेप में, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, एक और पेज ले लेते हैं। फाइनल स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x यहां पे ध्यान से देखे तो ये 1-2 है, साइन इनवर्स के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास। ठीक है, तो 2x² - 1 हो जाएगा ये, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x² - 1। यहाँ पे 1/4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारे पास इंटू 2x² - 1। ठीक है, और 1/4 एक्स इंटू अंडर रूट 1-x² वो भी प्लस साइन के साथ। x इंटू अंडर रूट 1-x, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आया। थोड़ा लंबा गया ये क्वेश्चन, लेकिन इससे हमने कुछ सीखा कि अगर ये मेथड आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप दूसरे मेथड के साथ जा सकते हैं। दूसरे मेथड में थोड़ा इनवर्स का आइडिया, लेकिन वो रिलेटिवली लेंथ उतना ही था, कुछ खास तो था नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो सकता है स्ट्रेट अवे में थोड़ा आसान पड़े। ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन तो इसको जाएगा, सेकंड फंक्शन इसको जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स इंटू x² / 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1/1 + x² एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन x² / 2 तो वो x² यहां लिख लेते हैं और 1/2 को हम बाहर रख देते हैं। dx, ठीक है, अब फिर से वही काम कर लेते हैं। इसी स्टेप में +1 - 1 तो हम कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x
इसके साथ एक्स स्क्वायर बाई टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला अलग कर लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू इसको अलग कर लिया। क्या मिला हमें? ये चीज तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स हो गया जो कि एक्स हो जाएगा एक्स बाई टू, ये चीज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, प्लस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स डीएक्स यार, तो हम देख रहे हैं कि अगर x के साथ साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स आए तो एक अलग अप्रोच रहेगा, x के साथ अगर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स x आए तो एक अलग अप्रोच रहेगा, इस वाले का सिंपलर था, ठीक है। अगला नाइन्थ है हमारे पास x के साथ कॉस इनवर्स, तो वही वाला अप्रोच अपनाते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो उसमें भी दो तरीके के अप्रोच थे, एक था हमारे पास बाय द यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जिसमें हम इसको हटाना चाहते हैं, और एक था हमारे पास सिंपल वाला, ठीक है। तो सिंपल वाले से करके देखते हैं, बिफोर दैट इसको एक बार और कॉपी कर ले इनकेस ये लेंथी जाए तो, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स में एक निगेटिव साइन आ जाता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और होल इंटीग्रेशन, तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा था ना, ठीक है। तो फिर से हम ये माइनस साइन को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस नहीं करते क्योंकि माइनस साइन तो फिर अंदर ले ही जाना पड़ेगा हमें, तो माइनस ऑफ, लेकिन ये वन बाई टू को बाहर रख लेते हैं। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर बाई टू टू को बाहर ले गए, तो उसको हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें वन ऐड किया ऐसा दिख रहा है, और वन सब्ट्रैक्ट किया मैनेज करने के लिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बन गया डीएक्स, फिर से सेपरेट कर दे इसके अलॉन्ग ऐसे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस वन बाई टू दिस अपॉन दिस, तो रूट में आ जाएगा, प्लस वन बाई टू वन अपॉन ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू
cos इनवर्स x, इसका क्या फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के इंटीग्रेशन का अंडर रूट होता तो x बाई टू, सेम चीज रिपीट, प्लस a स्क्वायर बाय टू, a तो यहां वन है, साइन इनवर्स x बाई, प्लस वन बाय टू, ये इंटीग्रेशन क्या दे देगा हमें साइन इनवर्स x, ठीक है। अब साइन इनवर्स x दो जगह है, ठीक है, तो ऐसा करते एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स x माइनस वन बाय टू ये हाफ साइन इनवर्स x है, ठीक है, और इसको भी अगर मैं इसी ब्रैकेट में मर्ज करना चाहूंगा तो ये मर्ज होगा ऐसे कुछ, ठीक है, प्रीवियस स्टेप में यहीं पे अगर यहां माइनस हाफ कॉमन लिया तो एक यहां पे माइनस साइन आ, ठीक है, तो हाफ माइनस ऑफ वन तो माइनस हाफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस, अब क्या कर सकते हैं हम कि इसको हम वन बाई टू और बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस वन बाय फोर हो जाएगा बाहर, अंदर एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन माइनस हाफ किया तो क्या आया होगा, सॉरी हाफ माइनस वन किया तो माइनस ऑफ ये वन बाई टू माइनस वन, तो ये माइनस हाफ आया होगा, इसका टू बाहर ले लिया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स अंदर, ठीक है। तो इस वाले अप्रोच से तो हमने कर लिया, आप पीछे जो मैंने सॉल्व किया था इसी तरीके का क्वेश्चन x साइन इनवर्स x वाला, उसमें मैंने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला भी अप्रोच लगाया था, जहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं cos इनवर्स x को आप कुछ नया चीज मान लें, लेट से t, ठीक है, तो फिर वहां से आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो ट्राई करके आप जरूर देखें, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर, इसको कैसे करें, को भी कॉपी करके रख लेते हैं इनकेस अगला पेज की जरूरत हो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो पहले तो नॉर्मल अप्रोच यूज करके देखते हैं कि इसको हम वन इंटू
ऐसे कुछ लिख देते हैं। अब क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का नहीं पता, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब पहले तो 2 सामने आएगा, साइन इनवर्स x आएगा, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx भी होगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dx। और ये होल इंटीग्रेशन, तो इसका x आएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर। यहां पे माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x होगा, और यहां पे है हमारे पास साइन इनवर्स x और dx। तो एक बार और हम बाईपार्ट लगा के देख सकते हैं इसमें, ठीक है। किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम साइन x को यहां पे t माने तो ये चीज dt हो जाएगा, लेकिन फिर 2x बच जाए, ठीक है। और अगर फिर से बाईपार्ट लगाने जाए तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको एक अलग सा इंटीग्रेशन हम मान के चलते हैं कुछ देर के लिए, इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम साइन इनवर्स x को t मान लें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा dt, ठीक है। तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t और ये चीज dt बन गया, और 2 टाइम्स x क्या हो जाएगा यहां से sin t, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पे एक और बाईपार्ट का क्वेश्चन बन गया यहां पे ये, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, आराम से कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो t एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो साइन टी का माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी वन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी होगा, तो जो इसको प्लस कर देगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू टी कॉस टी प्लस साइन टी। अब टी को तो वापस करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स तो टू टी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक चीज और हम कर सकते थे यहां पे, कॉस टी साइन टी तो ठीक है एक्स के इक्वल आ जाएगा, कॉस टी को हम टी के जगह साइन इनवर्स एक्स पहले लिख लेते हैं, और कॉस टी को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, और साइन टी एक्स है तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कर लिया, प्लस साइन टी तो एक्स है ही, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन। हमने क्या किया, कॉस टी को लिखा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन टी क्योंकि इधर से हमारे पास एक्स है तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये चीज हमें उठा के रखना है कहाँ पे, इस जगह, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो हो ही गया, और क्या है माइनस के साथ ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, तो प्लस टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन के कारण ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इलेवेंथ। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख ले सबसे पहले, एक और सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख ले, कॉस इनवर्स एक्स और एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और होल का इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दो बार करना पड़ेगा, इसलिए उसको अलग से कर लेते हैं, इसमें हम वन माइनस एक्स स्क्वायर को
टी स्क्वायर मान लेते हैं, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, टू टी डी टी सॉरी, टू से टू कैंसिल, तो एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी डी टी डाल, नीचे रूट के अंदर टी स्क्वायर तो वो टी ही बन जाएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, टी क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों जगह से यहां अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इधर लिख लेते हैं। इस वाले में क्या करें, इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आया, आया है माइनस साइन के साथ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस डी एक्स बचा, अब तो काम आसान लग रहा होगा, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अ कॉन्स्टेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें अगले पेज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं जो कि 12वां प्रश्न है, ठीक है। एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, टेन एक्स, तो इसको मान लेते हैं हम सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, वैसे भी आइलेट के हिसाब से आया तो फर्स्ट फंक्शन एक्स को ही मानना था और हमने वैसे भी सोच के देखा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स होल इंटीग्रेशन, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो एक्स टेन एक्स, यहां वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप भूल गए हो तो साइड में टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स को मान ले टी, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बन जाएगा, तो माइनस डी टी बाय टी माइनस लॉग टी, टी क्या था कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिखे या लॉग सीकेंट एक्स लिखे, तो एक्स टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स ही लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हमारा सॉल्यूशन। टेन इनवर्स एक्स का इंटरेस्टिंग होना चाहिए इसको भी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, ये क्वेश्चन इस बात का सबूत है, क्योंकि अगर पता हो तो डायरेक्ट इक्वल टू आंसर लिख देते, तो इसमें क्या करते हैं वन इंटू टेन इनवर्स एक्स कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्योंकि एज इट इज रहता है इसीलिए ये तो तय हो गया कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली डीएक्स, और होल इंटीग्रेशन। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स और माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे एक्स आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा लॉग के अंदर नीचे वाला आ जाएगा, प्लस अ कॉन्स्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सीधा tan इनवर्स x आए, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो 1 इंटू करके tan इनवर्स को पहला, इसको दूसरा, x इंटू log x का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले क्योंकि ये एज इट इज रहता है और इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं इजीली, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, आईलेट भी वही बोलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले तो स्क्वायर का होगा तो टू लॉग एक्स आएगा और लॉग एक्स का वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहां पे टू लॉग एक्स बाई एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर बाई टू, टू कैंसिल, एक्स लॉग एक्स अंदर आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से जब करेंगे तो x log x में फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं, सेकेंड फंक्शन इसको, तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू लिख दे सीधे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू होल इंटीग्रेशन, ये एक x फिर से बच गया लेकिन उसका तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, एक टू ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स का कर्नल, ठीक है। अगेन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ही रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां भी होल इंटीग्रेशन किया था तो dx लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो x स्क्वायर का प्लस वन का इंटीग्रेशन करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर का अलग कर ले एक्स क्यूब बाई थ्री और वन का अलग कर ले जो कि एक्स होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स का एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, एक्स वन बाई एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में, तो क्या बना होगा एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन, वो भी इजीली हो जाएगा लॉग एक्स एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस वन सॉरी एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री तो एक्स क्यूब बाय नाइन और वन का एक्स प्लस सी लिख देते लास्ट में, हो गया क्वेश्चन समाप्त। अगले क्वेश्चन, अच्छा यहां से वो वाला चीज यूज हो जाएगा जो मैंने इनिशियली कॉन्सेप्ट बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स अंदर हो अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश दैट मीन्स एफ एक्स का डेरिवेटिव हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें लिखने आना चाहिए e पावर x एफ एक्स प्लस, तो एफ एक्स को अगर हम माने साइन x एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास cos x, ठीक है। तो ये चीज उसी फॉर्मेट का हो गया तो इसका डायरेक्ट आंसर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, क्योंकि अब इस फॉर्मेट का हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिख देते एक बार फिर से प्लस एफ डैश एक्स, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी ई पावर एक्स, एफ एक्स क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस अगला। हाँ इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, बेसिक एडजस्टमेंट होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करना होता है, तो कैसे कर सकते हैं एक्स में प्लस वन माइनस वन करें ई पावर एक्स को एज इट इज रहने दें,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब सेपरेट कर लें एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन ये, ठीक है। अगर हम एफ एक्स माने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 1, तो पावर सामने आएगा और उसी स्टेप में पावर एक कम होगा, तो ये है माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्म आ गया, ये चीज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के इक्वल। इसका क्या सॉल्यूशन होता है, e पावर x एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस। तो ये आइडिया आपको नया लगा होगा, लेकिन इस आइडिया का यूज हम अगले कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही यूज होगा, फिर भी आइडिया ई पावर एक्स के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला ही है, ई पावर एक्स। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 2x का, वो होता है 2 साइन x कॉस x, मतलब एंगल राइट हैंड साइड में हाफ हो जाता है। सेम यूज करें तो साइन x का एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं, मतलब साइन x इक्वल टू निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, 2 साइन x बाय 2 cos x by 2 divided by 1 plus, अच्छा cos 2x का भी ऐसा ही होता है, cos 2x का क्या हमारे पास formula होता है, 1 या फिर आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ही यूज कर लें, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x बाय x, सॉरी, और 1 और इसी से ही काम बन जाएगा हमारा। तो इसी को अगर हम यूज करें, यहां भी आप देख रहे हैं एंगल हाफ हो रहे हैं, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए निकाले, इसको हटा देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स के लिए निकाले तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, e पावर x, अच्छा सेपरेट कर ले तो 1 by 2 cos square x by 2, तो ये हो जाएगा 1 by 2 secant square x by 2, और 2 sin x by 2 cos x by 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा, तो sin by cos बचेगा which is tan x by 2, tan x by 2 को अगर हम
एफ ऑफ एक्स माने तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टैन का तो सीकेंट स्क्वायर होता है, अंदर जाएंगे तो एक्स बाय टू का हाफ भी आएगा, क्या यही चीज आपको दिख रहा है ब्रैकेट में? तो इस ब्रैकेट को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो इसका क्या सॉल्यूशन रहता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स एफ एक्स क्या है, टेन एक्स बाय टू प्लस दैट्स इट। आगे बढ़ते, ये तो सिंपल ही है, अगर आप एफ एक्स को वन बाय एक्स माने तो वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स को वैसे हम लोगों को पता होता है, लेकिन ठीक है तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस वन, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पावर सामने आएगा, पावर एक कम भी होगा तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो ई पावर एक्स एफ एक्स क्या है, वन बाय एक्स प्लस। नेक्स्ट ये है, अगेन मैंने बोला था एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करना है। एक्स माइनस वन माइनस टू ऐसे लिख दे इसको, ठीक है, तो x माइनस वन के लॉन्ग इसको सेपरेट कर दे, तो x माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू अपॉन इसका क्यूब, तो एफ एक्स अगर इस बार माने वन अपॉन एक्स माइनस वन के स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन पावर माइनस टू, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पावर सामने आएगा, सेम स्टेप में पावर एक कम भी होगा, तो माइनस टू बाय एक्स माइनस वन का क्यूब, क्या यही दिख रहा है आपको वहां पे, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि माइनस के साथ ही पूरा एफ डैश एक्स आया है, तो इसका क्या हो जाता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई पावर एक्स एफ एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। नेक्स्ट ई पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स,
थोड़ा सा लंबा जाने के संकेत हैं, इसलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसको हम आई भी लिख देते हैं, ठीक है, आई एज्यूम करके चलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हर क्वेश्चन में आई एज्यूम करके चलना चाहिए, उससे बार बार ये रिपीट स्टेप में नहीं लिखना पड़ता। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, cos x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x होल इंटीग्रेशन। तो ये आई मान के चल रहे, तो आई बराबर ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एक मिनट चार्जर रिमूव कर ले। तो यहां पे माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, सेम काम यहां भी होगा, ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 dx, एक बार और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस 2 को बाहर रख लेते हैं, फिर से वही पैटर्न फॉलो करते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, आई बराबर साइन एक्स इंटू ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2। कॉस फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास कॉस एक्स, और सेकेंड फंक्शन है हमारे पास ई। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, ई पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दे डायरेक्ट, ई पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो इसको प्लस करके साइन एक्स लिख देते हैं, इंटू ई पावर 2x का ई पावर 2x बाय 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब पे लैग करने लगा है, डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 बाहर, होल इंटीग्रेशन। ध्यान से देखें, ये जो आया है
ये आई ही तो है, ठीक है, तो वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू, तो माइनस वन बाई फोर आई को हम उस तरफ ले आते हैं, ठीक है, बाकी सारे टर्म्स को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई फोर के साथ आई आया है, इसको इधर ले आते हैं, तो आई प्लस आई बाई फोर बराबर क्या साइन एक्स के साथ ई पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, और एक ये टर्म बचा था विच इज माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय फोर और कॉस टू एक्स कॉस एक्स इंटू ई पावर टू एक्स, फाइव आई बाय फोर होगा, ठीक है, तो आई निकालना है क्योंकि, तो 5i by 4 में से 5 by 4 को इधर ले आए तो 4 by 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 by 5 बाहर रहने देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इस टर्म के साथ 2 आ जाएगा, और इस टर्म में 4 कैंसिल होके माइनस साइन बचेगा, आई ही तो हमें निकालना था, आई ही था e पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स, वो हमारा निकल गया, ठीक है, तो बढ़ते आगे, आसान था, बस ये देखना होता है कि एक दो बार करने के बाद आई आ जाता है, तो फिर वही आई हमारा सॉल्यूशन होता है, उसी को रीअरेंज करना होता है, ठीक है, इस नंबर तो हो गया 22। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया है तो ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, 2 टैन इनवर्स x के, अगेन इसको मान लेते फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो टेन इनवर्स एक्स का लिख दिया आप डायरेक्ट, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो टू का इंटीग्रेशन टू एक्स होल इंटीग्रेशन, अच्छा वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो ये इंटीग्रेशन भी अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहां से टू एक्स टेन इनवर्स एक्स आया, और ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ऊपर डेरिवेटिव है जो कि टू एक्स है, नीचे फंक्शन है, तो लॉग के अंदर नीचे वाला, क्लियर, बस हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, तो 2x tan inverse x माइनस log के अंदर ये चीज, ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला अगर याद हो कि sin inverse 2x upon 1 plus x पर ये होता है तो फिर काम आसान, अच्छा अब चूज द करेक्ट आंसर वाला आ गया क्वेश्चन में, देखते हैं, वैसे सब्स्टिट्यूशन से तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर हम यहां पे एक्स क्यूब था, सॉरी यहां पे ठीक है, तो ई पावर एक्स क्यूब, तो अगर एक्स क्यूब को हम टी मान लें तो 3x square dx equals to dt,
एक बार चेक कर लेते हैं कि वो एक्सक्यू भी था ही या नहीं। हाँ, ई पावर एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई थ्री हो जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह डी टी बाई थ्री, और ये हो जाएगा ई का पावर टी डी टी, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ही होता है, तो वन बाई थ्री ई पावर टी हो जाएगा। टी क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है प्लस सी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 24 कैसे करेंगे सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ई पावर एक्स, तो इसमें क्या करें, इंटीग्रल वही वाला फॉर्मूला लाएगा, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सीकेंट एक्स को अंदर ले जाएं, डी एक्स, ठीक है। तो अगर एफ एक्स आप एज्यूम करें किसको, सीकेंट एक्स को, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स। और वैसे लास्ट क्वेश्चन ही है, पेन अपने लैग कर रहा है, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्मेट का हो गया, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा ई पावर एक्स, एफ एक्स क्या है सीकेंट एक्स, ठीक है। तो हो गया एक्सरसाइज समाप्त। ऐसा वीडियो मैंने पहले नहीं बनाया जिसमें इतना लंबा एक साथ एक्सरसाइज किया, तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो गया इस वीडियो में, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आप ऐसे आपका जो डाउट लेके आए होंगे वो सॉल्व हुआ होगा, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।